बैतूल जिले की सभी मंडियां जिसने सब्जी विक्रेताओं और किसानों की समस्या बढ़ा दी है। इस हड़ताल का असर बैतूल कृषि मंडी में भी देखने को मिल रहा है, जहां कर्मचारी मॉडल एक लागू किए जाने और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस बीच दूसरे प्रदेशों से आने वाली सब्जियों से भरे ट्रक यहां बिना खाली किए खड़े हैं, तो वहीं अपनी उपज बेचने आए किसानों के सामने भी मुसीबत खड़ी हो गई है। मंडी की हड़ताल से अनभिज्ञ दर्जनों किसान यहां आज अपनी उपज लेकर पहुंच गए। ऐसे में अब उनके सामने उपज को वापस ले जाने या फिर मंडी में ही 3 दिन रुकने की समस्या आ खड़ी हुई है। किसानों को उपज वापस ले जाने के लिए अब 2 गुना भाड़ा चुकाना होगा या फिर उन्हें मंडी में ही रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहीं सब्जी विक्रेता भी दूसरे प्रदेशों से पहुंचे हैं और सब्जियों के खराब होने की आशंका से जूझ रहे हैं। जबकि हड़ताली कर्मचारियों का साफ कहना है कि उनका विरोध इसलिए है कि नए एक से उनके कई साथी कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। वे अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित है कि आखिर उनकी सेवानिवृत्ति पर दायित्वों का भुगतान कैसे होगा। मंडी कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा मंडी अधिनियम 1972 को बचाने और वेतन पेंशन की मांग को लेकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? बाजी लाल। ये बताइए कहाँ से हैं? खैरी से। खैरी कितना पड़ता है? कितना किलोमीटर है? ओ इरली का बगल में ऐसे। क्या लेके आते हैं आप? गेहूँ लाया। गेहूँ? हाँ। कितना गेहूँ था? 19 कट्टे। अब आप जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हड़ताल है, रीदी बंद है। हाँ। फिर कैसा करेंगे आप? अब मालूम लाए साहब तो लाया हमें। अच्छा, कोई जानकारी नहीं लगी थी आपको? नहीं, मंडी बंद है। जानकारी रहता तो काय कुलाता था। अच्छा, फिलहाल तो 3 दिन के लिए अभी बंद है हड़ताल यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, कैसे भी तो करेंगे। अब वापसी माल आके तो फंस गया। माल वापसी लेके जाएंगे कि यहीं? नहीं नहीं, लेके नहीं जाता, यहीं रहोगे आप? हाँ। क्या मेरा नाम सर है? एचआर लोखंडे, मंडी निरीक्षक, कृषिपंच मंडी बैतूल जी। बताइए, जो आज ये हड़ताल की गई है, क्या मांगे आपको? ये हड़ताल सब मॉडल एक्ट लागू हुआ है, उसमें मतलब निजीकरण कर रहे हैं उसका। गवर्नमेंट का सोच ये है कि इसमें निजीकरण हो, जिससे बहुत से लोगों की रोजी रोटी पे आ जा रही है। यहाँ कार्यरत कई वर्षों के अमाल तुलावटी भी बेरोजगार हो जाएंगे और छोटे मोटे व्यापारी का भी काम नहीं रहेगा। साथ ही हमारे कर्मचारियों का भी उसमें वो क्लियर नहीं है कि इनके दायित्व का भुगतान कहाँ से होगा, क्या होगा, इनकी पेंशन कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें। हालांकि गवर्नमेंट की नीति के आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारी मतलब ये मांगे है कि हमारे वेतन भत्ते वगैरह सुरक्षित हो जाए। ये मांगे जो ये हड़ताल है, ये कब तक चलेगी? ये अभी अब अनिश्चितकालीन कर दी है अभी तो। अब हमारा मोर्चे के अध्यक्ष वो बताएंगे इसके आगे। जैसे ये इसको प्राइवेट करते हैं तो क्या दिक्कतें आएगी आपको? दिक्कतें आएगी, माल यहाँ आएगा नहीं आएगा तो हमारी तनख्वाही रुक जाएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारे दायित्व को भुगतान नहीं होगा। मैं मंडी सचिव भाले का जी। बताइए, जो हड़ताल है, क्या मांगे हैं इस नाम पर उसकी और कब तक ये चली गया? ये क्या है, मॉडल एक्ट के विरोध में पूरे प्रदेश के मंडी अधिकारी कर्मचारी, जिसमें हमाल तुलावटी व्यापारी भी सम्मिलित हैं, इसमें जो विसंगतियां है और जो हमारे वेतन भत्तों को लेकर जो विसंगति बनी हुई है, उसको लेकर हड़ताल की गई है। और इसमें पूरे मध्य प्रदेश के 257 मंडियां बंद है। इसमें जैसे कि जो किसान आते हैं, बंद होने से उनको जो परेशानी होगी? कि कृषकों को हमने अनाउंसमेंट और अन्य साधनों से मतलब उनको अवगत करा दिया था कि भाई हम मंडी इस 3 तारीख से बंद रहेगी, तो उन्हें हमने सूचना दे दी गई। ऐसी जैसे सब्जी जो सब्जी मंडी है जी, उन लोग को भी इससे काफ़ी परेशानी? सब्जी मंडी वालों को भी हमने अवगत करवा दिया था कि भाई थोड़ा हड़ताल होने से आप लोग भी अपनी व्यवस्था पहले से ही बना ले, तो उन्होंने भी मतलब सहयोग प्रदान किया है। कब तक के चलेगी? अभी तो 3 दिन का तो व्यापारियों द्वारा लिखित में दिया गया है और कर्मचारी अधिकारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल है।